हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ टॉपिक ओलंपिक, जो कि आपको एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स जरूर दिलाएगा दोस्तों। और खास बात ये है इन क्वेश्चंस के बारे में कि ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी ये किसी न किसी क्वेश्चन पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें भी आपको ये प्रश्न एज इट इज देखने के लिए जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी क्वेश्चंस को हमारे साथ तैयार करते चलें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 126 की राजनैतिक कारणों से कौन से ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 1980 मॉस्को ओलंपिक जो है इनका बहिष्कार किया गया था राजनीतिक कारणों से। कौन से ओलंपिक खेल में इजराइल दल पर आतंकवादी हमला किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1972 यानी कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक खेल में इजराइल दल पर आतंकवादी हमला किया गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम सभा कहां आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की प्रथम सभा का आयोजन किया गया। एशियन खेलों के नियंत्रण का निकाय निम्न में से कौन सा है। OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन खेलों के नियंत्रण का निकाय है। भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, उपरोक्त दोनों यानी राष्ट्रीय महासंघ एवं राज्य ओलंपिक संघ के द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव किया जाता है। प्रथम विशेष ओलंपिक यानी कि फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम विशेष यानी कि स्पेशल ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। ओलंपिक ध्वज का आधार रंग कौन सा होता है, तो सफेद रंग होता है आधार रंग ओलंपिक ध्वज का। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था। और बात की जा रही है प्रथम महासचिव, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के प्रथम महासचिव के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बैरन पियरे दी कुबर्टिन। और प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि IOC का कौन था, तो डिमेट्रियस विकेलस जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे IOC के। वर्ष 1975 ईस्वी में ओलंपिया नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, अर्नेस्ट कोर्टियस के द्वारा 1975 में ओलंपिया नगर की खुदाई की गई थी। बैरन पियरे दी कुबर्टिन द्वारा 1894 ईस्वी में बैठक कहां बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि सर्बोन पेरिस में बैरन पियरे दी कुबर्टिन के द्वारा 1894 में बैठक बुलाई गई थी। और यही वो ईयर है दोस्तों यानी कि IOC की स्थापना दिवस जो है वो यही है 1894 यानी कि 1894 ईस्वी में ही जो है IOC की स्थापना भी की गई थी, आप सभी को पता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारतीय बास्केटबॉल टीम ने प्रथम बार कब भाग लिया। 1980 मॉस्को ओलंपिक में आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारतीय बास्केटबॉल टीम ने प्रथम बार भाग लिया था। एशिया महाद्वीप को प्रथम बार ओलंपिक खेलों के आयोजन का अवसर कब मिला, तो 1964 यानी जापान जो है इस ओलंपिक खेल में 1964 ओलंपिक खेलों के आयोजन के रूप में एशिया महाद्वीप को प्रथम बार ओलंपिक खेलों के आयोजन का अवसर मिला था। 1920 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचार्ड ने कौन से ध्वज के अंतर्गत भाग लिया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि नॉन ग्रीको रोमन की बात की जा रही है कि नॉर्मन प्रिचार्ड जो थे वो इन्होंने किसके तहत भाग लिया था, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ध्वज के अंतर्गत 1900 में भाग लिया था, क्योंकि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो है नॉर्मन प्रिचार्ड ने जो है 1900 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ध्वज के अंतर्गत भाग लिया था। ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात केवल विजय प्राप्त करना नहीं भाग लेना है। जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं संघर्ष है। आवश्यक बात विजय की कामना ही नहीं अच्छी तरह से द्वंद करना है। यह किसने कहा, बहुत ही खूबसूरत लाइन है दोस्तों और ये कही गई थी पियरे दी कुबर्टिन के द्वारा।
तो आपको भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार तत्पर रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, और लगातार प्रयास और जो एफर्ट्स होते हैं वो आपको एक ना एक दिन अपने मुकाम तक जरूर पहुंचाते हैं। और अगर आपने ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से प्रयास किया है तो सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है, पर अगर नहीं मिलती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं बल्कि आपका संघर्ष है। जो आपके एफर्ट्स हैं वो विजय यानी कि जीत से भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1928 एम्स्टर्डम से ओलंपिक खेलों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हुई। भारत की तरफ से प्रथम एथलीट किस वर्ष ओलंपिक में भाग लेने गया? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सन 1900 में भारत की तरफ से प्रथम एथलीट ओलंपिक में भाग लेने गया। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पुनर्द्वार में किसने आर्थिक सहयोग दिया था? तो एवेंजेलस जैपस ने आधुनिक ओलंपिक खेलों के पुनर्द्वार में आर्थिक सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में पान एथनिक स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए किसने आर्थिक सहायता दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जॉर्ज अवरोफ यहां पे करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक खेल में कौन से देश ने प्रथम बार भाग लिया? और बात की जा रही है 2016 रियो ओलंपिक की, जिसमें प्रथम बार कोसोवो जो है देश ने भाग लिया था। सर थॉमस फिनले कप किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1950 में सर थॉमस फिनले कप प्रारंभ किया गया। मोहम्मद ताहिर ट्रॉफी किस वर्ष से एथलीट को प्रदान की जाने लगी? तो 1950 से। राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए सी अल्बर्टा बोना कोसा ट्रॉफी कब से प्रदान की जाने लगी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर 1954 से। टोक्यो ट्रॉफी का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1964 से इसका प्रारंभ किया गया। बैरन पियरे दी कुबर्टिन द्वारा किस वर्ष से ओलंपिक कप का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 1906 से ओलंपिक कप का प्रारंभ किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्राचीन ओलंपिक का प्रथम इवेंट दौड़ कितनी दूरी तय करना था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर कितनी दूरी का था प्रथम इवेंट? 210 गज का जो दूरी थी वो प्रथम इवेंट दौड़ था प्राचीन ओलंपिक खेल का, 210 गज की दूरी। 2016 के रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों? तो सिर्फ और सिर्फ 2 पदक ही भारत देश ने जीते थे, आप सभी को पता है। 2016 रियो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी लिव योर पैशन। तो ये सभी वो भूले बिसरी कहानी है, ये भूले बिसरे प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको भूल चुके हैं, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो आप इन सबको रिवाइज करते हुए चलिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम खिलाड़ी कौन है जिसने शपथ ली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्टर बोयन ने जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम शपथ ली थी। 2016 रियो ओलंपिक खेलों में भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? 67th स्थान था भारत का 2 पदकों के साथ। ओलंपिक ध्वज की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिना किसी किनारे के सफेद पृष्ठभूमि और मध्य में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट, ओलंपिक शपथ की रचना सन 1920 में किसके द्वारा की गई थी? तो बैरन पियरे दी कुबर्टिन के द्वारा की गई थी। रियो ओलंपिक खेल 2016 में किस खेल को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी रग्बी को रियो 2016 में शामिल किया गया। ओलंपिक ध्वज में काला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप का। कौन से भारतीय खिलाड़ी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? और बात की जा रही है प्रथम भारतीय महिला यानी कि कर्णा मालेश्वरी की, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था तो कर्णम मालेश्वरी, और कौन सा पदक जीता था? तो
ब्रॉन्ज मेडल किस स्पर्धा में जीता था? तो वेट लिफ्टिंग में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? और अब बात की जा रही है कि एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत संधु इज करेक्ट आंसर। 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में किस एथलीट ने पेंटाथेलॉन व डेकाथेलॉन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, जिम थॉर्पे। निम्न में से किसने 1972 म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते? नन अदर वन यानी कोई और दूसरा नहीं, मार्क स्पिच इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अमेरिकन तैराक माइकल फिलिप्स ने बीजिंग ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? और 2000 बीजिंग यानी कि 2000 की बात हो रही है, नो बीजिंग ओलंपिक कहाँ पे हुए थे दोस्तों, 2008 ओलंपिक बीजिंग में हुए थे, तो 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे अमेरिकन तैराक माइकल फिलिप्स ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक ओलंपिक पदक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन नंबर सी माइकल फिलिप्स, तैराकी से इनका संबंध है। निम्न में से किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक ओलंपिक पदक प्राप्त किए हैं? तो किस महिला खिलाड़ी ने, और महिला की बात की जा रही है, तो लरीना लाथनीना। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो एज इट इज आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पूरा जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सी गतिविधि का संबंध प्राचीन ओलंपिक से है? ऑप्शन नंबर वन, प्राचीन ओलंपिक का जो भाग था वो क्या था, तो स्टेड रेस। निम्न में से किस वर्ष में एवेजिलॉन्स जैपस ने ग्रीक ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया? उक्त सभी यानी 1859, 1870 और 1875 ईस्वी में जो एवेजिलॉन्स जैपस थे इन्होंने ग्रीक ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया था। ओलंपिक खेलों में स्पर्धाओं को कौन निर्धारित करता है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। पियरे दी कुबर्टिन की अध्यक्षता में प्रथम ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? तो 1900 पेरिस में पियरे दी कुबर्टिन की अध्यक्षता में प्रथम ओलंपिक हुए थे, क्योंकि देखिए जो 1896 में आधुनिक ओलंपिक गेम्स हुए थे प्रथम ओलंपिक गेम्स, तो वो डेमेत्रिस विकेलस की अध्यक्षता में हुए थे दोस्तों। तो पियरे दी कुबर्टिन जो है इनकी अध्यक्षता में 1900 पेरिस जो हुए थे वो प्रथम बार हुए थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 2016 में किसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, बात की जा रही है एन रामचंद्रन की, जिनको IOC के द्वारा 2016 में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया। निम्न में से किसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है? तो नादिया कोमेनेसी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जून को, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर, लुसाने में शीतकालीन 2020 ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ है। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? और देखिए ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात की जा रही है, ना कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। तो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 का आयोजन जो है वो ब्यूनर्स आयर्स में हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ है, आप सभी को पता है दोस्तों। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखें। थोड़े से क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में बढ़ा दिए हैं ताकि आपका ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर, बीजिंग में शीतकालीन 2022 का आयोजन हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में ग्रीष्मकालीन 2028 का आयोजन होगा। रियो डी जेनेरो ओलंपिक खेल 2016 में बैडमिंटन एकल स्पर्धा महिला में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया? तो भारत की किस खिलाड़ी ने, तो वेंकट सिंधु यानी कि पीवी सिंधु की बात हो रही है, पुरसल्ला वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु की बात की जा रही है। महिला स्पर्धा में बैडमिंटन एकल स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। किस वर्ष कला प्रतियोगिता को ओलंपिक से बाहर करने का निर्णय IOC की सभा में लिया गया?
ऑप्शन नंबर सी सही है। 1951 में आधुनिक ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के अवसर पर निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करते हैं? तो आयोजक देश का राष्ट्रीय गान गाया जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के अवसर पर, उद्घाटन समारोह पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा यानी कि IOA के द्वारा विजेता देश के राष्ट्रगान प्रस्तुति के लिए उसकी अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो 80 सेकंड के अंदर जो है विजेता देश का राष्ट्रगान जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? तो 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव किस वर्ष किए गए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ईयर 2017। प्राचीन यूनान में ओलंपिया को किस रूप में जाना जाता था? तो एक शहर के रूप में। ओलंपिया को एक शहर के रूप में जाना जाता था प्राचीन यूनान में। ओलंपिक रिंग्स का चिन्ह किसने बनाया था? तो बैरन पियरे दी कुबर्टिन ने बनाया था। ओलंपिक खेल किस सभ्यता की देन माने जाते हैं? तो ग्रीक यानी एथेंस की देन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो पेरिस फ्रांस में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 140वां अधिवेशन वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित है? तो मुंबई में 140वां अधिवेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का होना प्रस्तावित है। निम्न में से कौन सी संस्था खेलों को राजनीति से परे रखने का प्रयास करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इस करेक्ट आंसर। वर्ष 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी थी? तो 25 मील। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी 25 मील थी। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो 26 मील 385 गज यानी कि स्टैंडर्ड दूरी मानकीकृत की गई थी, तो वो किस ओलंपिक में की गई थी दोस्तों? तो वो 1924 पेरिस फ्रांस में जो है मानकीकृत की गई थी। ये यहाँ पे सही आंसर होगा। आप सभी व्यूअर्स ने इस आंसर का करेक्शन भी किया था, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए कि जो आधिकारिक दूरी मानकीकृत की गई थी वो 1924 पेरिस फ्रांस में की गई थी। क्योंकि देखिए 1912 में तो 25 मील दूरी थी मैराथन दौड़ की, तो 1924 में से 26 मील 385 गज किया गया था। बैरन पियरे दी कुबर्टिन का IOC का अध्यक्ष कार्यकाल कितना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1896 से 1925 तक लगातार बैरन पियरे दी कुबर्टिन जो है वो IOC के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। और 1894 से 1896 तक डेमेट्रियस विकेलस थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आम सभा की बैठक 2013 में किस खेल को सन 2020 में ओलंपिक में शामिल कर लिया गया? तो कुश्ती की बात यहाँ पे की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की ओलंपिक मशाल का विचार किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।